अगर आपको एक अच्छी स्टोरी लाइन हॉरर और साइको मूवी पसंद है तो आपको प्रे फॉर द डेली मूवी जरूर चेकआउट करनी चाहिए, जिसे डायरेक्ट किया है डेनियल सेम ने, जिन्होंने द लास्ट एक्सोरसिज्म और 13 सिंस जैसी मूवी डायरेक्ट की है। मूवी के कास्ट की बात करूं तो जैकलिन बायर्स ने सिस्टर एन का रोल, पोजी टाइलर ने नतालिया का, क्रिस्टियन नेरेवो ने फादर डैन का और कॉलिन सेलमन ने रोल प्ले किया है फादर क्विन का। मूवी के सिनॉप्सिस की बात करूं तो एक रोमन कैथोलिक चर्च भूत भगाने के लिए प्रीस्ट को ट्रेन करने के लिए स्कूलों को फिर से ओपन करता है और इनडेमोनिक पोजीशन के ग्लोबल राइज को फेस करता है। ऑल द नंस का ये रिचुअल करना मना है। एक प्रोफेसर सिस्टर एन के गॉड गिफ्ट को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसे ट्रेन करने के लिए एग्री हो जाता है। एन खुद अपनी माँ के हाथों दिए गए पास्ट ट्रॉमा से सफर करती है और उसे एक ऐसी चाइल्ड पेशेंट मिलती है जिसका नाम नतालिया होता है, जो एक ऐसे डीमन से पोसेस्ड होती है जो पहले से ही एन को जानता है। तो ये डीमन एन को कैसे जानता है, क्या एन नतालिया को उस डीमन के पोसेशन से बचा पाएगी? तो रुको, ज्यादा सोचो मत, मैं है यहाँ पे, अपन बताएगा आपको कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो मूवी की स्टोरी काफी इंगेजिंग है, विजुअली मूवी एक अच्छा एक्सपीरियंस कराती है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसे बहुत ही ब्यूटीफुली वीएफएक्स से क्रिएट किए गए हैं, जो देखने में ऑलमोस्ट रियल फील होते हैं। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर काफी स्केरी है, डर का जो माहौल बनता है बैकग्राउंड म्यूजिक से वो काफी इम्प्रेसिव है। हॉरर ठीक ठाक है, कुछ खास मोमेंट पर जहाँ जंप स्केयर्स का यूज किया गया है वो आपको लिटरली हिला देगा। आप जान भी जाओगे कि यहाँ जंप स्केयर्स है, बट फिर भी आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे शॉक होने से। मूवी में एक ट्विस्ट है जिसे अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है मेरी तरह, चल झूठा, तो आप समझ जाएंगे कि वो ट्विस्ट क्या होगा। बट हाँ, देखने में काफी शॉकिंग और इंटरेस्टिंग लगता है। मूवी काफी ट्रोमेटिक और इमोशनल है, जिसे आप एक्टर की परफॉर्मेंस से फील कर सकते हैं, स्पेशली जैकलिन बायर्स और पोजी टेलर की। कॉलिन सेलमन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। मूवी में कमियां हैं, कुछ बेसिक सी कमियां जिन्हें अगर आर रेटेड मूवी बनाते तो बहुत हद तक दूर भी हो जाती। हाँ सही सुना आपने, मूवी PG-13 कैटेगरी की है, जो काफी इम्प्रेसिव है। स्केरी मोमेंट्स कम है, बट जो है वो ठीक ठाक है। मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो फील होता है। मूवी सिर्फ 90 मिनट की है, उसमें भी अगर स्क्रीन प्ले वीक हो जाए तो आप समझ सकते हो कि राइटिंग में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए मूवी एक अच्छी खासी हॉरर मूवी है, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।